शहीद भगत सिंह सैशन डिवीजन दे विच सुप्रीम कोर्ट अते माणयोग हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार अज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत दे विच 10 वख-वख बैंच लगाए गए हैं, जिस विच कि एक बैंच बलाचौर विच है और 9 बैंच जिहड़े ने वो तहसील नवांशहर दे विच लगाए गए हैं, जिन्हां दे विच कि एक बैंच जो है वह स्थाई लोक अदालत का लग्या होया। अज असी 3000 तो उपर केसिज जिहड़े ने वो टेकअप कर रहे हैं, उन्हां दे निपटारे वास्ते धिरां नूं बुलाया जा चुका है, कईआं दे विच फैसले होण दी संभावना है। सानूं उम्मीद है कि असी घट्टो घट 2500 तो 3000 केसिज जिहड़े हैं वो अज दी डेट दे विच निपटारा कर देंगे। इस तों इलावा मैं ये भी दसण योग समझदा है कि 2500 तो 3000 केसिज जिहड़े ने इन्हां दे विच कुल अमाउंट लगभग कोई 12 तो 15 करोड़ रुपए की सैटल होएगी, जिस दे विच के 138 दे केसिस MACT क्लेम केसिस ब्याह वाले मामले जिहड़े है वह है, या कई दे रिकवरी केसिस भी है, वो भी केसिस जिहड़े ने उन्हां दा निपटारा अज किया जाएगा। सो मैनू इस गल का बड़ा माण अते खुशी महसूस हो रही है कि ना केवल वकील साहबाना ने बल्कि जुडिशल ऑफिसर्स और स्टाफ ने बहुत वध चढ़ के इस विच हिस्सा लिया और इस लोक अदालत को एक कामयाब सूरत दी है। लोक अदालत दिन प्रतिदिन जिहड़ा लोगों का रुझान है वो वध रहा है, क्योंकि ये जो बेनीफिट होंदा लोगों लोक अदालत दे विच एक तो समा बचदा लोगों का, कई लोगों के केसिस हाले जिहड़े ने शुरुआती दौर दे विच हुंदे ने, मसलन किसी नूं अजे सर्विस करा रहा दूजी पार्टी की, सर्विस होंदे सार ही जो मसला लोक अदालत दे विच आ जाए तो उत्थे दोनों धिरां की सहमति दे नाल असीं उह निपटारा कर दिंदे हां, बजाय इस दे कि उस दे विच जवाब दावा आंदा है, फिर उस तो बाद इशू फ्रेम हुंदे हैं, फिर उस तो बाद एविडेंस लगती है, सो कई साल लग जाते हैं। लेकिन लोगों नूं इस गल की समझ है कि जेकर कोई निपटारे होने वाला केस है जिहदे विच कि चलो लोगों की कई बार ईगो प्रॉब्लम होंदी है, लेकिन अगर ईगो प्रॉब्लम छड़ के असी कानूनी तौर दे उत्ते देखिए तो बहुते केस जिहड़े आ निबड़न वाले होंदे हैं। इस करके जदों लोगों नूं वकीलों दे सहयोग नाल ये समझ पैंदी है कि साडा टाइम भी बचेगा, साडे पैसे भी बचणगे और सानूं एक मन की शांति प्राप्त होगी, क्योंकि नॉर्मली झगड़े जिहड़े है वह आंढ गुआंढ या रिश्तेदारां दे नाल ही हुंदे है, ठीक है ना। सो उहदे नाल की हुंदा है कि आपसी सुहिरद है कि साडा टाइम भी बचेगा, साडे पैसे भी बचणगे और सानूं एक मन की शांति प्राप्त होगी, क्योंकि नॉर्मली झगड़े जिहड़े है वह आंढ गुआंढ या रिश्तेदारां दे नाल ही हुंदे है, ठीक है ना। सो उहदे नाल की हुंदा है कि आपसी सुहिरदता जिहड़ी है वह एक कायम हुंदी है, एक चंगे समाज की जिहड़ी है वह स्थापना हुंदी है। देखो बिल्कुल हैगा, यह जो NDPS एक्ट है उहदे विच सैक्शन 37 की बार है, जदों कोई कमर्शियल क्वांटिटी वाला मुलजम पकड़िया जाता है तो उहदी बेल नहीं हुंदी, ठीक है ना। लेकिन जो समॉल क्वांटिटी है, मसलन किसी बंदे ने सिर्फ आपकी कंजम्पशन वास्ते हैगा, तो उहदे कोल इह डिफेंस भी है सैक्शन 27 के थले कि मैं तो आपकी कंजम्पशन वास्ते रखी है, उहदी फिर असी रीहैबिलिटेशन वास्ते एक्ट प्रोवाइड करता है, रीहैबिलिटेशन वास्ते असी भेज सकते हैं उहनूं जे कोई इहो जिही डिफेंस लैंदा कि मैं सैल्फ कंजम्पशन वास्ते रखी है। जितों तक बेल का सवाल है, बेल कमर्शियल क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं होंदी, लेकिन जिहड़ी समॉल क्वांटिटीज़ ने उहदे विच असी जिहड़ा हैगा देख के कि वह कितना संगीन है, उसका पहला पिछला रिकॉर्ड किस तरह का है, उस तरीके नाल असीं उसनूं डील करते हैं, क्योंकि बेल जिहड़ी है वह एक मुलजम का बेसिकली कानून के मुताबिक एक राइट है, क्योंकि अगर असीं उहनूं बेल ही डिनाई करती दैट मीनस असीं पहले ही उहनूं सोच लिया कि इस बंदे ने काम किया ही होया है ना। सो इस तरीके नाल नहीं चलता काम, कानून का काम जिहड़ा है वह प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस जिहड़ी है वह भारत का संविधान जिहड़ा है वह प्रोवाइड करता है हर एक मुलजम नूं कि जब तक उहदे खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार के उत्ते कोर्ट यह फैसला नहीं दे दी कि यह बंदा मुलजम है, उदों तक उस बंदे नूं प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस अवेलेबल है।